है उनके निवेश किए गए कंपनियों के शेयर्स के मूल्य, उसके अलावा गिल्ड सिक्योरिटीज बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड, ईएफटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन सब के मूल्यों को जोड़कर से पूरे शेयर्स को यूनिट से डिवाइड करने के पश्चात हाथ में जो मिलता है और वही राशि है नेट एसेट वैल्यू, जो बढ़ती ही जा रही है। मतलब एक महीने गुजरने के बाद 10 रुपए में खरीदे गए यूनिट का मूल्य 10 रुपए 50 पैसे हुए तो हमें 10 रुपए 50 पैसे में ही यूनिट मिलेगा। यानी कि 10,000 रुपए निवेश करेंगे तो हमें 1,000 यूनिट नहीं मिलेगा, यही इसका अर्थ है। 10,000 डिवाइडेड बाई, पहले 10 था तो 1,000 मिला, अभी 10 रुपए 50 पैसे हैं तो यूनिट की संख्या कम होगी। अब इस ओपन एंडेड फंड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कहे तो, हम जब भी चाहे तो इस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं और जब भी चाहे तो इस स्कीम से हम एक्सिट भी कर सकते हैं। कभी भी अंदर जा सकते हैं और कभी भी बाहर भी आ सकते हैं। मतलब इस तरह अंदर बाहर जाते समय वो दिन और जिस दिन हम उसे खरीदते हैं तो खरीदने के दिन जो नेट एसेट वैल्यू है उसी के अनुसार ही हम 10,000 रुपए निवेश करते हैं और नेट एसेट वैल्यू 9 रुपए 50 पैसे है तो 10,000 को 9.5 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो जो राशि है, अच्छा अब डिवाइड करने से आंकड़ा क्या है हम देखते हैं। मैंने 10,000 रुपए में 9.50 पैसे इन्नेवी युक्त एक स्कीम में ज्वाइन करता हूं, मान लीजिए 10,000 डिवाइडेड बाई 9.5 इज इक्वल टू 1,052.6315, इस तरह जा रहा है ये। इसमें 4.5 यूनिट तक के लिए हम लायक हैं। कई ऐसे फंड है जो 3.5 यूनिट तक सिकुड़ेंगे और कई फंड्स 2.5 तक ही रहेंगे, तब हमें राउंड फिगर में यूनिट नहीं मिलेंगे। उसके बदले में दशमलव संख्या से युक्त यूनिट ही मिलेंगे हमें। उदाहरण के लिए हमारे नेट एसेट वैल्यू 9.9 है तो सोच लीजिए 9.9 है तो हमारे यूनिट फिर से कम हो रहे हैं। नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है तो यूनिट की संख्या कम होती है। 1,010.10010 मतलब 1,010.10010 यदि उसे 2.5 में राउंड करेंगे तो 1,010.10 यूनिट हमें मिलेंगे। इसके विपरीत ये जो 10,000 रुपये हम निवेश करते हैं तो ऐसे 10,000 रुपये कहे तो गणित को ठीक से जोड़ने के लिए लिया गया फिगर है। 1,000 रुपये से ऊपर कई फंड्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये होंगे और उसके भी ऊपर फिर हमें जितने रुपए चाहिए, जैसे 500 के मल्टीपल्स या फिर 1 रुपये के मल्टीपल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में एनएवी, सोच लीजिए कि एनएवी बढ़ गया है। एनएवी के बढ़ते ही 10 रुपये 20 पैसे ऐसा हम सोचते हैं तो एनएफओ में ज्वाइन करते समय हमें 1,000 यूनिट दिए गए थे, मगर अब 980.39215 मिलेंगे। अन्यथा 2.5 को राउंड करेंगे तो 980.3921 यूनिट। इसी समय पर 10 रुपये के एनएफओ में एंट्री करते हैं तो 10 रुपये में एनएफओ में एंट्री करने वाला शख्स, यानी वह शुरू होते ही एंट्री करने वाला वो शख्स, और अभी वो शख्स उसे कम्प्लीटली बेच रहा है और उसके हाथ में अभी 1,000 यूनिट्स हैं और 1,000 यूनिट्स के लिए 1,000 रुपये के हिसाब से 10 रुपये 20 पैसे यूनिट हाथ में है तो, क्योंकि पहले से ही एनएफओ में ज्वाइन किया था इसलिए उसके हिसाब से 1,000 यूनिट्स इंटू अभी का नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये 20 पैसे हैं तो उसे मिलने वाला है 10,200 रुपये मिलेंगे, 10,200 रुपये मिलेंगे उन्हें। इसके विपरीत 6 महीने 1 वर्ष या 2 वर्ष की समाप्ति पर
किसका एनएवी नेट एसेट वैल्यू 15 रुपए 12 पैसे। मान लीजिए 15 रुपए 12 पैसे हैं, तो 15 रुपए 12 पैसे के हिसाब से 1000 यूनिट्स को वो रिडीम करता है, तो उसे 15,120 रुपए मिलेंगे। तब आप सोचेंगे कि हमारे हाथ में जो भी यूनिट्स है उसे एक साथ रिडीम करना पड़ेगा या फिर एक साथ कैश में बदलना पड़ेगा, ऐसा शक आएगा मन में। इसकी जरूरत नहीं है, हम दो तरह से इसे रिडीम कर सकते हैं। नंबर वन, इतने यूनिट्स रिडीम करने के लिए बोले, अभी 500 यूनिट्स रिडीम करना है, हाथ में 1000 यूनिट्स है पर 500 यूनिट रिडीम करने के लिए बोल सकते हैं आप। ऐसा नहीं, हाथ में 5000 रुपए आए ऐसे यूनिट्स को रिडीम करते हैं। दो ऑप्शन है, एक हम नंबर ऑफ यूनिट्स बताकर रिडीम कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बोल के रिडीम करने के लिए तत्काल नेट एसेट वैल्यू के अनुसार अगर 500 रुपए हैं तो नेट एसेट वैल्यू इंटू 500 रुपए इतने यूनिट्स हमें मिलेंगे। इसके विपरीत यदि 5000 रुपए रिडीम करना है तो 5000 रुपए के जितने भी यूनिट्स है वो सारे यूनिट्स हमारे 1000 यूनिट में से कम करेंगे। मतलब दो तरह से हम रिडीम कर सकते हैं। फिर हमने इसकी KYC, याद है मैंने पहले बोला था KYC डिटेल्स दी है, उसी प्रकार कैंसिल चेक हो, अन्यथा अमाउंट लिखा हुआ चेक हमारे नाम कटा हुआ चेक होना चाहिए। नाम कटा हुआ चेक होना चाहिए तो ही प्रूफ के रूप में लेंगे वो लोग। और नाम कटा हुआ चेक या कैंसिल चेक, अन्यथा नाम कटा हुआ चेक पर अमाउंट लिख कर चेक सबमिट करके ही हम इसमें ज्वाइन होते हैं। तो फिर हमारे ज्वाइन होने के बाद यदि हम रिडीम करेंगे तो 5वें वर्किंग डे में हमारे रिडीम किया हुआ पैसा हाथ में आ जाएगा। यही है इस म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज, लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है हमारे हाथ में जो चीज है, या फिर हमारे हाथ में जो यूनिट्स हैं, या फिर हमारे पास जो शेयर्स हैं, या फिर हमारे हाथ में जो सोने हैं, या फिर हमारे हाथ में जो भी रियल एस्टेट हैं, इन्हें कैश में बदलने का जितनी जल्दी हो सके फटाफट कैश में बदलने का साधन है ये, उसे ही लिक्विडिटी बोलते हैं। वैसे हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है, सुनिए, सोना हाथ में है तो कष्ट के दौरान गिरवी रख सकते हैं हम लोग। सोना है तो गिरवी रख सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, मगर सोने की भिन्नता आगे बढ़ने के साथ साथ पता चलेगा हमें। सोने से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये म्यूचुअल फंड। सोने का तो यह है कि 15-20 सालों के अंदर 4 या 5 गुना अप्रिसिएशन आ गया, लेकिन इसमें यूं 50 या 60 गुना अप्रिसिएशन आएगा ये बाद में हम बोलेंगे आपसे। गोल्ड बार को छोड़कर यदि आप गोल्ड के ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेहनताना अलग से लेंगे और उसके बाद वो व्यर्थ व्यय का भी पैसा लेंगे आपसे। इस तरह 20-25% चला जाएगा आपके हाथ से। यदि हम 1,00,000 रुपए खर्च करते हैं तो हमें वापस 25,000 रुपए ही मिलेगा, और फिर उसमें लिक्विडिटी है तभी हमारे हाथ से बहुत पैसा चला जाएगा। सेकेंडली, रियल एस्टेट की बात, हमारे पास यदि मकान या फिर जमीन या फिर कहीं पर बंगला या विल्ला हो तो उसे बेचने के लिए हमारी जरूरत के समय पर हम उसे बेचने की कोशिश करेंगे तो ग्राहक नहीं मिलेगा। तात्पर्य लिक्विडिटी नहीं है, मतलब इसके विपरीत FD, इसमें लिक्विडिटी है मगर उसकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, 8% मैक्सिमम देंगे वो। अब जहाँ तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, इसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा है। 5वें दिन जब भी हम इसे रिडीम करने का प्लान करेंगे तो 5वें दिन यूनिट के तौर पर रिडीम कर सकते हैं, इतना पैसा मुझे चाहिए बोल के रिडीम कर सकते हैं। तात्पर्य अत्यधिक मात्रा में वो भी लिक्विडिटी युक्त एक इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, शेयर्स में भी लिक्विडिटी जरूर है मगर जहाँ तक शेयर्स का संबंध है अप्रिसिएशन कालावधि तक हमें वेट करना पड़ेगा, अन्यथा नष्ट में बेचना है तो लिक्विडिटी है। अब हम 1 वर्ष निक्षेप करने के पश्चात 1 साल के बाद पैसे निकाल सकते हैं, 9 महीने के बाद पैसे निकाल सकते हैं, मगर इसमें एक छोटी सी समस्या जो है, 1 वर्ष से कम है तो एग्जिट लोन बोलते हैं। एग्जिट लोन का अर्थ है हमारे बाहर जाते समय जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसे एग्जिट लोन बोलते हैं, और वो एग्जिट लोन साधारणतया 1 वर्ष के अंदर है तो 1% चार्ज करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि हमने 1,00,000 रुपए निक्षेप किए हैं और 1,00,000 निक्षेप करने से आपने 10 रुपए निक्षेप किए हैं और 1 साल के बाद वो 12 रुपए बन गए हैं, तो और 1,20,000 रुपए का
1% यानी 1,200 रूपए काट के बाकी 1,18,800 रूपए हमें वापस मिलेगा, वो भी 1% कट करके यदि 1 साल के अंदर हो तो। और 1 साल के बाद एक्सिट लोन है ही नहीं, और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में ही हमारे लिए तीन तरह के स्कीम है। एक ही फंड में यदि फार्मा फंड में निक्षेप करते हैं या IT फंड में हम निक्षेप करते हैं, अन्यथा हम लोग रियल एस्टेट फंड में निक्षेप करते हैं, अन्यथा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ITC इत्यादि कंपनियों में, अलावा MNC फंड्स भी हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने का स्कीम भी है MNC फंड। मतलब इन सब में जहां तक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का संबंध है, क्लोज एंडेड है तो हम एंट्री तो कर लेंगे लेकिन अंत में ही हम एक्सिट कर पाएंगे, अन्यथा सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही खरीद या बेच पाएंगे आप। इसके विपरीत ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हम चाहे कभी भी इसे AMC में बेच सकते हैं और कभी भी AMC से खरीद भी सकते हैं, और 1 साल के अंदर है तो 1% कट करेंगे। तो फिर इस ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के तीन तरह के स्कीम जो हैं, तीन तरह के स्कीम का अर्थ है, एक डिविडेंड पे आउट स्कीम। डिविडेंड पे आउट स्कीम का मतलब है पुराना MNC फंड है, समझ लीजिए MNC फंड में प्रति वर्ष वो हो सकता है 1 साल के बाद या फिर 3 महीने के बाद वो डिविडेंड हमें मिलेगा, हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, उनकी घोषणा करने के ठीक 1 महीने के अंदर बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसके अलावा डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्कीम जो है, अगर डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्कीम है तो किसी म्यूचुअल फंड का NAV 20 रुपए मान लीजिए, ये NAV 20 रुपए है और वो 20 रुपए में वो 1 रुपया डिविडेंड के तौर पे घोषित करते हैं, तो हमारे हाथ में जितने भी रुपए हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, मेरे पास 1,000 यूनिट्स है तो 1,000 यूनिट्स डिविडेंड के रूप में मिलेंगे मुझे। 20 रुपए मूल्य का एक यूनिट अगर वो 1 रुपया डिविडेंड घोषित करते हैं तो तुरंत ही उसका नेट एसेट वैल्यू 20 में से 19 हो जाएगा, 20 से 19 होगा, तब हमें मिलने वाले डिविडेंड को 19 से डिवाइड किया तो नेट एसेट वैल्यू कम हो जाता है और उस नेट एसेट वैल्यू में हमें उतने यूनिट अधिक मिलेंगे। यदि कैश नहीं चाहिए तो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड के जो पैसे मिल रहे हैं उसे फिर से फंड में निवेश कीजिएगा, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब ग्रोथ स्कीम है, ग्रोथ स्कीम बोले तो ये यदि हम लोग उस स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो उसमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसका जो भी नेट एसेट वैल्यू है वो कभी बढ़ेगा या फिर कभी घटेगा, इसे कब रिडीम करना है और फिर इसे कब बाहर आने का प्रयत्न करना है, ऐसे समय में नेट एसेट वैल्यू के अनुसार हम अपनी इच्छा से कैश में बदल सकते हैं या फिर पूर्ण रूप से कैश में बदल सकते हैं, या फिर हम लोग यूं 1-2 साल के लिए प्रति मास हमें पैसे चाहिए कहके जिसे सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान बोलते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान, महीने 5,000 रुपए चाहिए, हमें 5,000 चाहिए तो 1 वर्ष के लिए 5,000 चाहिए तो, और उसके लिए हमारे यूनिट, उस मूल्य के यूनिट यदि हमारे पास हो तो ही मिलेगा हमें, तो प्रति माह हमारे हाथ में सिस्टमैटिक विड्रॉयल से आएगा पैसा। इस ओपन एंडेड स्कीम में ही मैंने बोला कि हमारे लिए डिविडेंड पे आउट स्कीम भी है, डिविडेंड की कालावधि के अनुसार देने वाला पैसा, यानी कि वर्ष में या साल में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, अन्यथा 3 महीने में 1 बार डिविडेंड देने वाले स्कीम भी हैं। इसके अलावा प्रत्येक महीना डिविडेंड देने वाले फंड्स भी हैं, प्रति माह डिविडेंड देने वाला फंड बोले तो साधारणतः इसे बैलेंस फंड बोलते हैं, बैलेंस फंड, यानी कि इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा कम होगा और ज्यादा भी हो सकता है, और फिर बाकी के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड ट्रेडेड फंड में या फिर EFT में इन्वेस्ट करने का फंड। अब देखिए इसके NAV देखिए, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड मंथली डिविडेंड, अभी हमने देखा ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस मंथली फंड मंथली डिविडेंड फंड NAV है 25.33, वो प्रत्येक महीने 24 पैसे के हिसाब से डिविडेंड देते हैं, 0.24 डिवाइडेड बाई 25.33 इज इक्वल टू 0.005947, ये फिगर मिला है हमें। देखिए ये तो 1 महीना क्या है, तो 12 महीने का कितना मिलेगा, इंटू 12 कितना आ रहा है,
ये तो एक रुपये का है, अब जरा 100 से मल्टीप्लाई करो ना। अब देखिए यहाँ 11% रिटर्न देख रहे हैं हम लोग। बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो 8% ही ब्याज मिलेगा हम लोगों को, मंथली भी नहीं मिलेगा। मतलब इसमें 11% रिटर्न आ रहा है। देखिए मेरी वाइफ ने इसमें 2.25 लाख इन्वेस्ट किया है, इस फंड में इन्वेस्ट किया है। प्रति माह 2,200 रुपये डिविडेंड मिल रहे हैं मेरी पत्नी को, और वो डिविडेंड जो आ रहा है उसे हमने खरीदे 24 रुपये कुछ पैसे दे के। मतलब इसके 2 फायदे हैं, डिविडेंड भी मिल रहा है और डिविडेंड के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और उसी प्रकार एनएवी भी बढ़ रहा है। देखिए 2 तरह का फायदा हो रहा है, एक डिविडेंड है और दूसरा है एनएवी। देखिए एनएवी का मूल्य बढ़ रहा है और डिविडेंड का भी। इसे मैंने रिडीम किया, यानी 24 रुपये 25 पैसे मैंने से लिया है, तो उन सभी यूनिट्स को 25.33 पैसे में हम बेच सकते हैं आराम से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बैंक से हमें 5,000 रुपये से भी ज्यादा, बैंक से वो भी एक वर्ष में इंटरेस्ट आता है, तो उसका कर चुकाना होगा हमें, अन्यथा हमें एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा बैंक वालों को कि मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखकर देने से ही बैंक टैक्स काटेगा नहीं, अन्यथा 10% टैक्स कट करेंगे बैंक। एनआरआई निवेश व कुछ फंड्स को छोड़कर म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड का जो अमाउंट है उसका टैक्स नहीं है, यही बड़ा एडवांटेज है, टैक्स काटते ही नहीं है। फिर उसके अलावा एक और एडवांटेज क्या है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे सामने एक और स्कीम है। उदाहरण के लिए हमारी इनकम 2.5 लाख से भी ज्यादा है तो हमारे लिए वैसे 2 तरह के फंड्स हैं, 2 तरह के। एक है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसी प्रकार एक और राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, मतलब ELSS के नाम से व RGESS के नाम से 2 स्कीम हैं। ELSS में निवेश करने वाले कैश को 1.5 लाख रुपए तक हमारी इनकम में से कम कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए मेरी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, यूं एक वर्ष का इनकम है, मैं इन 5 लाख से 1.5 लाख रुपए इस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करता हूं तो बाकी मुझे 3.5 लाख का टैक्स चुकाना पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर 20% है टैक्स। अब 1.5 लाख का 20% का हिसाब लगाते हैं तो हमें 30,000 रुपए का लाभ होता है। इसके विपरीत यदि आपकी इनकम सालाना 10 लाख से भी ज्यादा है, समझ लीजिए आपकी इनकम 10 लाख से भी अगर ज्यादा है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 10 लाख सालाना आय वाले इस इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश करेंगे तो 45,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं वो। फिर इसकी एकलौती न्यूनता ये है कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, अन्यथा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में हम लोग ज्वाइन करते हैं तो 3 साल के अंदर निवेश किए हुए पैसे को हम ले सकते हैं, 3 साल के बाद ले सकते हैं। और फिर इसमें ही इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में ही हमारे लिए 2 ऑप्शन है, एक है डिविडेंड पे आउट स्कीम और दूसरा है ग्रोथ स्कीम। वैसे ग्रोथ स्कीम में डिविडेंड नहीं है, अगर डिविडेंड पे आउट स्कीम है तो हमें डिविडेंड मिलेगा। इसमें डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि डिविडेंड मिलते ही, मैंने पहले ही बताया था ना कि रीइन्वेस्टमेंट करने का कोई रास्ता नहीं है। कारण क्या है कि ये लॉक इन पीरियड स्कीम होने के कारण केवल 2 ही है, और फिर कई कई ऐसे फंड्स हैं जो प्रत्येक 3 महीने के पश्चात डिविडेंड पे आउट करते हैं, वो भी एवरी आफ्टर 3 मंथ्स। उदाहरण के लिए रिलायंस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में है तो प्रत्येक 3-3 महीने के बाद डिविडेंड पे आउट करते हैं वो, और वो हम ले सकते हैं। बैंकों को रिजर्व बैंक और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सर्कुलर जो दिए हैं, यदि आप 5,000 रुपए का इंटरेस्ट चुकाते हैं तो टैक्स कट करके दे, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, TDS कट करके 10% TDS कट करने के बाद ही हम दे पाएंगे। फिर भी इसे इनकम के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसके विपरीत इससे मिलने वाला मंथली डिविडेंड स्कीम हो, 3 महीने में मिलने वाला स्कीम हो, प्रति वर्ष मिलने वाला स्कीम ही क्यों ना हो, डिविडेंड जितने भी है सब नॉन टैक्सेबल ही है। इसलिए म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टैक्स पे करने वालों को टैक्स बेनिफिट अवश्य मिलेगा। फिर इसके अलावा
ये इक्विटी सेविंग वो हमें मिलने वाला डिविडेंड, थिंक दैट हमें 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा है और करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले पार्टी भी होंगे। जब कोई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचेंगे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला कोई होगा क्या? करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली कंपनी अवश्य होंगी। यहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। मतलब उन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ डिविडेंड मिलता है तो उस डिविडेंड का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके विपरीत किसी और प्रकार की इनकम है तो बैंक में डिपॉजिट एफडी की इनकम है तो इनकम का ब्योरो दिखाकर टैक्स चुकाना पड़ेगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटीज, यहाँ हम लोग निवेश करते हैं तो, और इस निवेश के लिए हमें इनकम टैक्स आमतौर पे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। इसके विपरीत नोट बैन के बाद उन सोसाइटी के जितने भी निक्षेपण थे उसे इनकम टैक्स ट्रैक करना शुरू किया। उस प्रकार कई लोगों को एडिशनली उन्होंने जो इंटरेस्ट लिए थे उसके टैक्स चुकाने की नौबत जो आ गई। आइंदा नए सिरे से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें कोर बैंकिंग फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बोल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोल रही है रिजर्व बैंक का बोलना है 50,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कोर बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपका कोई भी निक्षेपण हो, 7 रुपए का निक्षेपण हो, 50,000 रुपए का निक्षेपण हो या लाखों रुपए का निक्षेपण हो, उन सबको ट्रैक करने का जो उपकरण है वो आज या कल जरूर आने वाला है। कारण आइंदा सभी ट्रांजैक्शन आधार के साथ लिंक करने वाले हैं। जब आधार के साथ लिंक करते हैं तो आप कुछ भी कीजिए तो उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना गवर्नमेंट के लिए साध्य हो गया है आजकल। इनकम आपकी क्या है, कितने कहाँ डिपॉजिट किए हैं, कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपको और कितना इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा आपको, ये सारा विवरण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलने वाला है। नॉट ओनली दिस, अब जीएसटी आ गया है। जीएसटी आने के बाद ये जितने भी छोटे व्यापारी की श्रेणी में हैं वो, और एक दिन जिसे 30,000 रुपए का व्यापार होता है और जो छोटे व्यापारियों के एक श्रेणी में आता है, मगर वो अभी टैक्स के नेट में नहीं है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ये सब ऑटोमेटिकली जीएसटी आने के बाद, दरअसल ये जो छोटे व्यापारी हैं वो होलसेलर के हाथों में से, उनके हाथों से चीज लेते समय उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है बोलकर दबाव आ रहा है। मतलब सभी लोगों की तुलना में नौकरी पर जाने वाले लोगों को ही सिर्फ सही ढंग से इनकम टैक्स वाले ट्रैक कर पा रहे हैं। आइंदा भविष्य में सभी लोगों को इस टैक्स रेट में लेकर आने वाले हैं। इस तरह टैक्स रेट में लाने के साथ ये टैक्स लाभ है ना, 20 या 30 का स्लैब है, उसे कम कर सकते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को खूब फंड मिलकर और उस फंड को विभिन्न तरह से और विभिन्न विकास की पद्धति में उपयोग किया जा सकता है। मतलब इस म्यूचुअल फंड का मैंने आपसे बोला था ना, सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्स पे नहीं है, टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहन ने पूछा कि आपके पास कोई टैक्स सेविंग स्कीम है क्या, मैंने बोला है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि 10 लाख रुपए का एक फंड है, उसके बारे में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड, लगभग 11% मिलेगा। वैसे सबसे अधिक इंटरेस्ट देने वाली संस्था प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ 9% है, यहाँ 11% मिलता है। देखिए सोसाइटी से 9% इंटरेस्ट मिलने के बाद हमें उसका टैक्स चुकाना पड़ रहा है। यहाँ 11% डिविडेंड हाथ में आते ही टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है मंथली डिविडेंड स्कीम में ज्वाइन होने के बाद। बाकी आगे इससे भी कुछ ज्यादा इनकम है तो देखिए ELSS जैसे किसी स्कीम में ज्वाइन हो जाइए। मतलब हम टैक्स सेव कर सकते हैं और हमारी इनकम में भी अवश्य वृद्धि होगी। मतलब जब इसके NAV में इजाफा होता है तो हमारी जो कमाई या फिर दौलत बढ़ती है और साथ ही रिटर्न्स भी बढ़ जाती है। रिटर्न के साथ अच्छी किस्म का डिविडेंड भी मिलेगा हमें, और फिर हमें बात करते रहना है। इसकी एक बड़ी समस्या यह है कि जितने भी फंड्स हैं, ये जरूरी नहीं कि आगे ही बढ़ना है उन्हें। देखिए कई फंड्स ऐसे हैं, कभी कभार मंथली डिविडेंड ही क्यों ना हो, चाहे 3 महीने का डिविडेंड हो या फिर एनुअल डिविडेंड ही क्यों ना हो, एक दो फंड ऐसे हैं जो कमजोर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरी वाइफ के नाम पर, वो भी 3 लाख रुपए ICICI
बैलेंस एडवांटेज फंड नाम से एक फंड है, बैलेंस एडवांटेज। उधर 3 लाख रुपए निवेश किया, 8 पैसे पर यूनिट है, लगभग 21,000 यूनिट मिला उसे। तब 8 पैसे प्रति यूनिट तो मिल गया, कुछ दिनों के बाद यानी 4-5 महीने के बाद 8 पैसे जो थे उसे 5 पैसा कर दिया। जब 5 पैसे हुआ तो मैंने क्या किया, तब मैंने कहा सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते हैं हम। इस तरह 21,000 रुपए पर मंथली सिस्टमैटिकली विड्रॉ करने लगे हम लोग। सिस्टमैटिकली विड्रॉ करने के बाद इस 25,000 रुपए को भिन्न किसी अच्छे फंड में और अच्छे म्यूचुअल फंड में इस 25,000 रुपयों को री एंट्री किया मैंने। तब वहाँ से 25,000 रुपए प्रति माह हमें मिलता रहेगा, उसे किसी दूसरे चैनल में यूज करके हम ग्रोथ स्कीम के विभिन्न फंड्स में, ग्रोथ व डिविडेंड स्कीम्स के प्रत्येक फंड्स में आ गए। म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे निक्षेप करने के बाद 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो या फिर 10,000 ही क्यों ना हो, म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे निवेश करने के बाद हमें कितने यूनिट्स अलॉट किया गया है उतने यूनिट का वो एक सर्टिफिकेट देंगे, यूनिट सर्टिफिकेट। यदि मेरे 100 यूनिट से म्यूचुअल फंड स्कीम में तो उस स्कीम का नाम क्या है और कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसे चलाती है और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम लिखकर कितने यूनिट्स अलॉट किए गए हैं और उसमें ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के दस्तखत के साथ हमें यूनिट सर्टिफिकेट